आदरणीय मंच उपस्थित साहित्यकार एवं साहित्य प्रेमी, मैं यहाँ अपनी नकु शीर्षक से कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ जो समकालीन भारतीय साहित्य में छपी है। नकु अब 10 साल का हो गया था, अपने नाम के ही अनुरूप है, बेशरम था, बल्कि यूं कहा जाए कि उसका नाम उसके जन्म के कारण ही नकु पड़ गया था तो ज्यादा व्यावहारिक होगा। वह अपनी विधवा माँ का नाजायज पुत्र था, माने गांव के लोग बागों के गले शिकवे और बिस्बोझे बाणों की माँ से घायल होते रहने से हमेशा के लिए निजात पाने के लिए खारे कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। घर में नकु की नानी के अलावा और कोई था नहीं। नानी ने जैसे तैसे उसे पाला पोसा बड़ा किया। नकु का पिता कौन है ठीक ठाक किसी को ज्ञात नहीं। बताते हैं एक बार उसकी माँ का देवर यानी कि उसका काका अपनी विधवा भाभी धुर्रो के सुध बुध लेने के बहाने गांव आया था और अरसे तक रुका था। उसके जाने के बाद से ही धुर्रो के शरीर में परिवर्तन शुरू हो गए थे और पूरे गाँव में हकाना खुशी होने लगी थी कि धुर्रो के पैर भारी हो गए हैं। अवैध संतान होने के कारण ही उसे उच्च जाति का होने के बावजूद जाति बरादरी सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों और गांव में वह आदर नहीं मिला जिसका वह हकदार था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया नानी की पकड़ से बाहर होता चला गया था। ब्राह्मणों की बस्ती उपरैंडी के बच्चे उसके साथ इसलिए नहीं खेलते क्योंकि उनकी माओ ने बच्चों को जता दिया था कि है नकटू नाच पिता पाप की औलाद है। कुछ बच्चे उसे पाप की औलाद कहकर चढ़ाते थे, हालांकि नकु है नहीं समझता था कि पाप की औलाद के मायने क्या होते हैं, लेकिन अपने प्रति हम उम्र बच्चों की हिंसा देख उसका बाल सुलभ मन हैदर उतार गया था कि पाप की औलाद कोई बुरी बात होती है जिसके चलते गांव के लोग उससे नफरत करते हैं और गर्व वही नजरों से देखते हैं। जब से उसमें इस समझ का अंकुरण हो आया था कि पाप की औलाद होना एक तरह की गाली है तब से उसने आक्रमक रुख अपना लिया था। अब जब भी कोई बच्चा उसे पाप की औलाद कहकर चढ़ाता है उसे पीटने लग जाता। उसमें बड़ा की फुर्ती थी, शरीर में उम्र से ज्यादा ताकत थी, उसके स्वभाव में भरपूर निडरता थी। उसके द्वारा आत्मा को अपनाने के बाद से बच्चे उससे भय खाने लगे थे। अब उनकी हिम्मत उसके मुंह पर पाप की औलाद कहने की ना होती। क्योंकि उच्च वर्ग के लिए नकटू उपेक्षित था इसलिए वह सहराने के बच्चों में ज्यादा हिलमिल गया था। सुबह वह साइकिल का पुराना टायर थोड़ा सा हुआ तलैया पर पहुंच जाता, वहीं शहरियों के बच्चे आ जाते, उन्हीं के साथ वह गुल्ली डंडा सतौलिया भुड़क डंडा खेलता कहता। कभी कभार वे फुड़पुलिये मारने पठार में पठार से नीचे जंगल में भी उतर जाते। फुड़पुलिये मारने के लिए उन्होंने गुलेरा बना ली थी। नकटू का कुछ किरार के लड़कों और चमारों के लड़कों से भी दोस्ताना हो गया था। क्योंकि इस दल का संगठन नकटू था और नकटू का कहा ही सब मानते थे इसलिए भय एक तरह से दल का अघोषित नेतृत्वकर्ता बन बैठा था। उसमें भय से मुबारिसा करने का मात्रा था, प्रबल हठी था, अपने दोस्तों के प्रति उसका समर्पित भाव था। कोई साथी अगर गलत काम कर दे झूठी बात कह दे तो भी वह खुलकर उसी का साथ देता। सद्गुणों और दुर्गुणों का उसके चरित्र में आनुपातिक सम्मिश्रण था। वह पढ़ने में भी होशियार था, स्कूल हो जाना जाता और पढ़ने में सब विद्यार्थियों से अव्वल रहता। पढ़ाई में अव्वल होने के कारण गाँव के जो समझ रखने वाले लोग थे वे नकटू के प्रति दया और स्नेह का भाव रखते थे। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, गांव की एकमात्र हवेली जो पूरे साल वीरान पड़ी रहती थी उसकी साफ सफाई शुरू हो गई थी। चौकीदार पहरा देने लगा था और उसने गांव के बच्चों को हवेली की लंबे लंबे दालानों में खेलते रहने पर रोक लगा दी थी। गोधूली बेला के समय दालानों में आइस पाइस खेलना बच्चों की दिनचर्या थी। नकटू भी खेलता था पर अब वह वंचित हो गया था। हवेली की रंग बिरंगी सभी बत्तियां जलने लगी थी। 3 दिन में ही हवेली राजमहल के मापिक जगमगा उठी थी। सिंधिया स्टेट के जमाने में अदलपुर के जमींदार की है हवेली राजमहल सी ही बहुत भुगती थी, पर वे जमाने लग गए। अब ना राजे रजवाड़े रहे ना जमींदार और जागीर हैं। अदलपुर के जमींदार ने जागीर खत्म होने के तत्काल बाद ही मुंबई और इंदौर में व्यापार खोल लिया और अपने दोनों लड़कों को वहीं जमा दिया। व्यापार अच्छा चल निकला, जमींदारी में लखपति थे तो व्यापार में करोड़पति हो गए। सामंतशाही के दौर में जो रुतबा था वह लोकतंत्र में भी बरकरार रहा। जमींदारी नहीं रहने के बावजूद उनके पास 52 कमरों की हवेली थी और 1000 बीघा का लंबा चौड़ा कृषि फार्म था।
अटलपुर के साल में एक बदमाश ही आते गर्मियों में। यह पूंजीपति परिवार अपने देवताओं से बड़ा खौफ खाता था, इसलिए वे प्रत्येक वर्ष बेनागा देवताओं पर सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के बहाने यहाँ आते और 15-20 दिन रुककर लौट जाते। तीन गाड़ियों में लगकर वे अटलपुर आए। परिवार के सदस्य वातानुकूलित गाड़ी में थे, बाकी दो गाड़ियों में सामान था। उनके आते ही गाँव के लोगों की हवेली के सामने भीड़ जुट गई। बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर प्रणाम करने लगे। कईयों ने जमींदार साहब के पैर छूते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों से भी जमींदार साहब के पैर छुलाए। नकलू भी गांव वालों के साथ था, लेकिन उसने ना जमींदार साहब के पैर छुए और ना ही नमस्कार की। वह उनके साथ आए उस गोरे चिट्ठे भरे हुए बदन वाले लड़के को देखता रहा, जो उसकी ही उम्र का था। वह जमींदार साहब के छोटे लड़के का लड़का था, उसका नाम डिंपल था। कईयों ने जमींदार साहब को अन्नदाता और माई बाप कहते हुए उनके चरणों में सिर रखकर आशीर्वाद लिया, तो कई बेवजह जमींदारी के जमाने में सुख चैन बरपा रहने का गुणगान करते हुए उनकी तारीफों के पुर बांधने लगे। नकलू चुपचाप सब देखता सुनता रहा। उसे जमींदार साहब को अन्नदाता और माई बाप कहना अटपटा लग रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि किसानों के अन्नदाता तो खेत हैं, खलिहान हैं, गाय बैल हैं, नदी नाले हैं, ये जमींदार अन्नदाता कैसे हो गए। डिंपल के गाँव में आने के साथ ही अजब परिवर्तन होने शुरू हो गए थे, जो नकलू के लिए नागवार थे। डिंपल जब भी हवेली से उतरता तो अजीब वो गरीब खेल खिलौनों के साथ प्रकट होता। उसकी पैंट और शर्ट की जेब में तरह तरह के बिस्किट्स और चॉकलेट के पैकेटों से भरी होती। हवेली के द्वार पर उनके लिए सवारी सजी रहती। कभी वह बैटरी वाली कार, कभी तीन पहिए, दो पहिए और चार पहिए की साइकिल पर सवार होकर हवेली के सामने वाले गलियारे में अपनी सवारी दौड़ाता। दो नौकर आजू बाजू उसके साथ होते। अटलपुर के आदिजात मोहल्ले के उच्च जातियों के बच्चे विस्मय पूर्वक डिंपल की सवारियों, कपड़ों और बिस्कुट चॉकलेट की चर्चा करते हुए डिंपल की खुशामद मलामत करते हुए उसे घेर लेते। इस वक्त उनके मुखों में लार होती और वे थूक का फूक कटक रहे होते। जब कुछ बच्चों की डिंपल से निकटता बढ़ गई तो वे उसकी सवारी में धक्का लगाने के अधिकार प्राप्त कर गए। ईमानदार एक लड़का उसकी साइकिल में धक्का लगाता हुआ बंसी सेठ की हवेली तक ले जाता और फिर वहां से लौटकर हवेली के दरवाजे तक छोड़ देता। धक्का लगाने का चांस जिस लड़के को मिल जाता वह अपने को धन्य समझता, अन्य लड़के उसे भाग्यशाली कहते। डिंपल को जिस लड़के का धक्का लगाना सुखदायक लगता उसे वह इनाम स्वरूप एक दो बिस्किट या एक दो चॉकलेट दे देता। पुरस्कृत लड़का इनाम पाकर घुटना पड़ता और उसका चेहरा प्रगल्भता से भर जाता। बहुत देर तक वह उस चीज को निहारता रहता, अपने मित्रों को दिखाता, फिर दौड़ लगाता हुआ घर पहुंचकर मां बहनों को दिखाता। चॉकलेट कहीं छिन ना जाए इसलिए वह धीर गंभीर इत्मीनान के साथ उसकी पन्नी उतारता और पन्नी को संभालकर पाठ पुस्तक के पन्नों में छपा देता। डिंपल का बिस्कुट का डिब्बा जब खाली हो जाता तो वह आनंद के लिए उसे बच्चों के बीच उछाल देता। बच्चे उस डिब्बे को लूटने के लिए कटी पतंग की तरह झपट पड़ते। जो लड़का डिब्बा पा जाता वह उसे छाती से चिपकाए घर की ओर दौड़ लगा देता और डिंपल अपने वाहन पर उछल उछल कर इस खेल का आनंद ले रहा होता। यह सारा मन बहलाने का खेल नकलू दूर खड़ा तमाशे की तरह देखता और मन ही मन इसे बस चिढ़ता रहता। उसके भी मुंह में कैडबरी चॉकलेट और पार्ले बिस्कुट देखकर लार आ जाती, जीभ चखने के लिए मचलने लगती। ऐसा ही हाल उसका तब होता जब है सरपंच के यहाँ टीवी में विज्ञापन देख रहा होता। टीवी की है विज्ञापनी दुनिया उसे स्वप्न की तरह छलावा लगती। मैं सोच ही नहीं पाता था कि गाँव की चार दीवारी के बाहर वास्तव में ही ऐसी ही थकती हुई मनमोजी बच्चों की दुनिया है। कभी कभी मैं सोचता टीवी के पर्दे पर पत्थर मारे और रोशन के पूंजे लड़के के हाथ से बिस्कुट के पैकेट छुड़ाकर ले भागे, लेकिन मैं जानता था कि इस बक्सा नंबर डिब्बे में लड़का कोई नहीं है, न होता है तो सब पर्दे पर विज्ञापन का कर्तव्य धर है। किंतु जब से डिंपल गाँव आया था तब से उसे यह विश्वास हो गया था कि गाँव के बाहर शहरों में एक दुनिया बच्चों की जरूर ऐसी है जो टीवी की बच्चों की तरह मनमोजी है, अल्लाह है। यदि नहीं होती तो है डिंपल कहाँ से खा पाता कैडबरी पार्ले, कहाँ घूम पाता साइकिल और बैटरी वाली गाड़ी पर। नकलू की तरह ही उसके सहराने और चमराने वाले मित्रों को डिंपल की शान पर विस्मय होता। ऐसे ही एक दिन चंपेवाड़ी के दालान में बैठा नकलू